हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी गुलाब्सा मैन बायोलॉजी आज के वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ सेकेंड टर्म का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो आपको 26 अप्रैल से आप लोग का एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है। तो आज हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज क्वेश्चन आपका अराइज होगा, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाई विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल सिमिलरली टू देमसेल्फ। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब होगा कि जब तक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही रिप्रोडक्शन होता है, एक सेक्सुअल हो या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात किया जाए। तो अगर एक सेक्सुअल में बात किया जाएगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कि जिसमें ऑफ स्प्रिंग देखा जाए, यानी कि एक पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स से क्या मिलेगा, ऑफ स्प्रिंग देखा जाएगा। यानी कि पेरेंट्स, अगर एक सेक्सुअल के बारे में बात किया जाएगा तो वो इसमें इंडिविजुअल टू सिंगल टू पेरेंट्स होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे होता है कि अपोजिट सेक्स होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता था। रिप्रोडक्शन एक कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। अगर रिप्रोडक्शन होगा तो रिप्रोडक्शन में यही होता है कि एक हम रहते, आप रहते, ये सब होता है। ये सब किसकी वजह से होता है, एक रिप्रोडक्शन के माध्यम से। और रिप्रोडक्शन एक ऐसा जो चैप्टर है जो आपको है ना, हर मतलब आप 12th में भी जाइएगा तो रिप्रोडक्शन मिलेगा, ठीक है ना। तो रिप्रोडक्शन एक है ना नॉलेज के लिए भी लोग पढ़ा जाता है, एक इंटरेस्ट के साथ लोग पढ़ते हैं। जो रिप्रोडक्शन बहुत सबको मजा आता है रिप्रोडक्शन में, इसको अलग अलग माध्यम लोग अलग रखते हैं। और ऑर्गेनिक प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल सिम टू देम सेल्फ। रिप्रोडक्शन क्या है, जनरेशन टू जनरेशन को बढ़ाने में हेल्प करता है। अगर जनरेशन टू जनरेशन नहीं बढ़ेगा तो हम लोग क्या, हम लोग रहेंगे, नहीं रहेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। यही अर्थ पे रहने का मतलब है कि रिप्रोडक्शन का होना। तो रिप्रोडक्शन ए ब्रेक टू हेरिडिटी ट्रांसमिशन, यानी कि एक हेरिडिटी का ट्रांसमिशन का मतलब है कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में देखा जाता है। तो रिप्रोडक्शन का टाइप भी होता है, होगा एकदम होता है। रिप्रोडक्शन को हम लोग दो कैटेगरी में देखते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में बोलते हैं उसको ए सेक्सुअल, और सेकेंड कैटेगरी में हम लोग देखते हैं जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। एक सेक्सुअल जो होता है वो है ना सिंगल पेरेंट्स में होता है, और जो सेक्सुअल होता है वो अपोजिट सेक्स। अपोजिट सेक्स का मतलब होता है यहाँ पे कि मेल और फीमेल के बारे में बोला जाएगा, ठीक है। तो मेल और फीमेल में क्या होता है वो अब हम लोग देखेंगे कि ए सेक्सुअल क्या होता था। ए सेक्सुअल का जो टाइप्स होता है वो अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बता रहे थे। ए रिप्रोडक्शन के बारे में, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट विदाउट सेक्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें सिंगल पेरेंट्स के साथ साथ क्या होगा, विदाउट सेक्स। इसमें क्या होगा, सेक्स का जरूरत नहीं होगा, और इसमें क्या होगा, सिंगल पेरेंट का जरूरत है। और गैमेट इन्वॉल्वमेंट इज कॉल्ड दी ए सेक्सुअल। ए सेक्सुअल में सिंगल गैमेट, और दूसरी बात होती है कि विदाउट दी सेक्स। यही चीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे अहम हो जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा दिखता है, और साथ में इसको क्या, अपोजिट सेक्स होता है। उसमें सेक्स का मतलब ऐसे कि सेक्सुअल इंटरकोर्सिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी में एसेक्सुअल और सेक्सुअल का डिफरेंस बिटवीन यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि टाइप्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन कौन सा होगा, फीजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और स्पोर फॉर्मेशन। अब बाइनरी और मल्टीपल फीजन किसका है, फीजन का है। फीजन का कितना टाइप है, दो टाइप है, एक बाइनरी फीजन और दूसरी पड़ेगी बाइनरी फीजन और मल्टीपल फीजन। यहाँ पे हम लोग जो मल्टीपल और बाइनरी फीजन है, तो अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि एक सेक्सुअल का जितना टाइप्स है, और सारा को एक एक तरीका से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फीजन, उसके फीजन का जो टाइप्स देखेंगे, बाइनरी फीजन, मल्टीपल फीजन, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग, स्पोर, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये सारा चीज हम लोग देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।